हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। मेरा नाम है आरवी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कंपैरिजन करूंगा नोकिया 5.1 प्लस का रेडमी 5A के साथ। देखिए दोस्तों, रेडमी 5A जो है बहुत ही सक्सेसफुल मोबाइल है, और जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों ही मोबाइल जो है काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन प्राइस रेंज जो है दोनों ही मोबाइल की जो है वो ज़मीन आसमान की है। तो जो लोग जो है रेडमी 5A परचेस करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो है रेडमी 5A परचेस करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखते रहिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि 11,000 रुपये के मोबाइल से जो नोकिया का बहुत ही अच्छा मोबाइल है, उसके साथ जिसके अंदर प्रोसेसर भी ज़्यादा बढ़िया है और सब कुछ बढ़िया है, उसका हम अगर स्पीड टेस्ट करते हैं रेडमी 5A का, तो देखते हैं रिजल्ट में कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। ये बात तो दोस्तों श्योर है कि नोकिया 5.1 प्लस ही ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि प्राइस के अंदर जो है 5,000 रुपये का फ़र्क है। 6 से आता है 6,000 में और 5.1 प्लस आता है 11,000 रुपये की रेंज में। लेकिन दोस्तों फिर भी हम देखते हैं कि इनके अंदर कितना डिफरेंस निकल कर आता है, कितनी हद तक जो है रेडमी 5A इसको नोकिया 5.1 प्लस को टक्कर दे सकता है। दोस्तों दोनों ही मोबाइल जो है काफ़ी अच्छे मोबाइल हैं। 8 मेगापिक्सल का नोकिया के अंदर फ्रंट कैमरा है, और 5 मेगापिक्सल का रेडमी 5A के अंदर फ्रंट कैमरा है। नोकिया की जो डिस्प्ले है वो 5.8 इंचिस की है दोस्तों, और रेडमी 5A की जो डिस्प्ले है वो है 5 इंचिस की। 3 GB रैम जो है नोकिया के अंदर आपको मिल जाती है, 2 GB रैम 5A के अंदर है। ओरियो आपको मिल जाता है नोकिया में, और 5A के अंदर आपको नो गार्ड मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और दोनों ही मोबाइल में 3000 mAh की बैटरी है। मैंने कुछ जो है दोस्तों इनके अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है, उनको मैं एक साथ प्ले करके आपको दिखाऊंगा कि इनके अंदर ज़्यादा टाइम लगता है। तो पहले है लूडो किंग, दोस्तों इसको ओपन करके देखते हैं किसके अंदर ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने ओपन कर दिया, तो ऑलमोस्ट ओपन तो एक साथ ही हो गई दोनों फ़ोन के अंदर, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क जो है दोस्तों इसके अंदर देखने को मिला आपको लूडो किंग के अंदर। चलिए टेम्पल रन 2 ओपन करते हैं दोनों ही मोबाइल में, देखते हैं किस में ज़्यादा जल्दी खुलता है। तो एज एक्सपेक्टेड दोस्तों नोकिया के अंदर ज़्यादा जल्दी खुल गया, लेकिन फिर भी देखते हैं टेम्पल रन 2 खुलने में 5A के अंदर कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, 5A के अंदर भी काफ़ी क्विकली जो है लोडिंग हो गई और गेम जो है रन हो गया। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको 5A के अंदर मिल जाती है, अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं 11,000 रुपये के मोबाइल से भी। नेक्स्ट एप्लीकेशन देख सकते हैं, विडमैट हमने खोली दोस्तों, तो दोनों ही मोबाइल में ऑलमोस्ट साथ में खुल गई। सबवे सर्फर में आपको ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों इसके अंदर, देखते हैं कितना टाइम लगता है 5A के अंदर। नोकिया में तो क्विकली ओपन हो गई दोस्तों, और 5A के अंदर थोड़ा सा टाइम जो है डिफरेंस तो है दोस्तों, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जो है इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। आपने जैसे कि देखा इसके अंदर काफ़ी अच्छी क्विकली ओपन हो गई। अब एक गेम है मिनी मिलिशिया, उसको ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा 5A के अंदर थोड़ा सा ही डिफरेंस रहा, काफ़ी अच्छा मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा प्राइस रेंज के अंदर इतना अच्छी परफॉर्मेंस दोस्तों। बाकी चलिए मैं और टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। फेसबुक अगर आप यूज़ करते हैं तो दोस्तों 5A के अंदर देख सकते हैं आप इतनी ज़्यादा लोडिंग नहीं हुई, वो भी काफ़ी जल्दी ओपन हो गया। अब रेगुलर यूज़ देखते हैं दोस्तों, प्ले स्टोर हमने ओपन भी काफ़ी ठीक ठाक जो है टाइम डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहा, एकदम ओपन हो गई। और गूगल क्रोम हमने ओपन करा तो वो भी काफ़ी फास्टली ओपन हो गया दोस्तों। आप देख सकते हैं यूट्यूब ओपन करके देखते हैं, तो यूट्यूब भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया 5A के अंदर, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम डिफरेंस है, काफ़ी अच्छी जल्दी स्पीड से ओपन हो गया। गूगल मैप्स आप देख सकते हैं दोस्तों, ओपन करके हमने देखा तो दोनों ही मोबाइल में एक साथ ओपन हुआ। बाकी दोस्तों आपको मैं कॉल लॉग्स जो है ओपन करके दिखा देता हूँ, कैमरा वगैरह ओपन करके दिखा देता हूँ। तो कैमरा जैसे देख सकते हैं आप दोस्तों, इसके अंदर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा 5A के अंदर, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं नोकिया के साथ। कॉल लॉग्स जो है दोस्तों ऑलमोस्ट दोनों ही मोबाइल में एक साथ खुली हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये दोनों ही मोबाइल जो है बहुत बढ़िया हैं, और लेकिन अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं स्पीड के मामले में 5A के साथ, तो आपका डिसीजन जो है दोस्तों वो बिल्कुल भी गलत नहीं है 5A लेने का। दोस्तों मोबाइल बहुत बढ़िया है स्पीड के मामले में भी, हर चीज़ के अंदर भी। मीडिया टेक का P60 आपको नोकिया के अंदर प्रोसेसर मिलता है दोस्तों 11,000 रुपये में, और स्नैपड्रैगन का 425। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा जो है प्रोसेसर आपको 425 भी वर्क कर रहा है 6,000 रुपये की प्राइस रेंज में 5A के अंदर। दोस्तों 1.8 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है नोकिया के अंदर, और 1.4 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है MI 5A के अंदर। दोस्तों काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है इनके अंदर मुझे देखने को मिली। बैटरी के मामले में बात करें तो दोस्तों दोनों ही मोबाइल में 3000 mAh की बैटरी है, तो बैटरी के अंदर भी बहुत बढ़िया जो है आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है 5A के अंदर।
और काफ़ी अच्छी मुझे इम्प्रेसिव लगा मोबाइल ये, लोगों की पसंद वाकई में अच्छी है 5A की जो है। बाकी हम एक बार इसका स्पीड टेस्ट जो है 6A के साथ भी करके देखेंगे 6,000 रुपये के प्राइस रेंज के अंदर नोकिया 5.1 के साथ जो है कितनी जो है डिफरेंस निकल कर आती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर दिएगा दोस्तों, और अगर आपके दिल में कोई भी बात है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका किस मोबाइल के साथ आप किसका कंपेरिज़न किसके साथ देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप फेसबुक के साथ। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें बगैर तो बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।